ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रहा है और इसके वायरल होने के पीछे की वजह है बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम। अपने जादुई आवाज से सोनू एक इवेंट में लोगों को एंटरटेन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस दौरान वही एक हादसे का शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, सामने आए इस वीडियो में नजर आ रहा है कि स्टेज से जब सोनू निगम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तो कई लोग वहां सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं और सेल्फी खिंचवाने की होड़ में ही वहां धक्का मुक्की होने लगती है। वहीं कुछ लोग सीढ़ी से नीचे भी गिर जाते हैं। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कॉन्सर्ट करके उतरा था और वो जो आजकल आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं कोई समझता नहीं, तो उसने पकड़ लिया मुझे, तो पकड़ा तो उसके बाद में उसका नाम है स्वप्निल प्रकाश वातकरेकर, वो बाद में मुझे मालूम पड़ा। उसने पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी कहाँ है, हाँ हरी प्रकाश, पहले हरी को उसने पुश किया, तो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ, हाँ मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रबानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता, वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो, इसलिए बस इसलिए मैं पुलिस आपने। तो सुना ना आपने किस तरह बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने बयान दिया उस घटना का मंजर जो बीती रात उनके साथ हुआ। सोनू ने इस हादसे की एक एक बात अपने मुंह जुबानी सुनाई। वहीं अब हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि कैसे सोनू निगम के साथ ये पूरा हादसा हुआ। दरअसल सोनू निगम बीती रात एमएलए प्रकाश फेटरपेकर द्वारा आयोजित चेंबूर फेस्टिवल में फिनाले में परफॉर्म करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी टीम के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की गई। वीडियो में देखने को मिला कि वहां मौजूद एक शख्स सोनू की टीम के एक सदस्य को स्टेज से धक्का दे रहा है। आरोप है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शिवसेना के विधायक प्रकाश का ही बेटा है। विधायक के बेटे स्वप्निल ने पहले तो सोनू के मैनेजर संग बदतमीजी की और फिर बाद में जब सोनू निगम स्टेज से नीचे आ रहे थे तो उन्होंने पहले सिंगर के बॉडीगार्ड को धक्का दिया और फिर सोनू को भी धक्का मारा। इस धक्का मुक्की में उनके उस्ताद के बेटे रब्बानी खान स्टेज से नीचे गिर गए। ऐसे में इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधायक के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में सोनू को किसी तरह की चोट नहीं आई है, इस बात की पुष्टि सोनू निगम की टीम ने की है। बता दें कि सोनू देर रात इस घटना की शिकायत करने चेंबूर थाने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सोनू पुलिस थाने में बैठे नजर आ रहे हैं। सोनू ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी है। सोनू के कुछ देर बाद विधायक प्रकाश फेटरपेकर भी थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आईपीसी के धारा 341, 323, 337 के तहत मामला दर्ज कर धक्का मुक्की करने वालों की पहचान कराई जा रही है। डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत के मुताबिक आरोपी का नाम स्वप्निल फेटरपेकर है। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।